मेरे डब बत्ती मोर थले काली कार बैठे कार विच मेरे चुन मेजे यार नीए बड खान पैंदे मंगे जान जा लैंदे असी बैठे आ बठाया बंदे उठने नी देंदे टिक्का विच जोर है ना कोई तोड़ है पापियां दे पीर ने गड्डी च करी जोर जरा टिक्का विच जोर है ना कोई तोड़ है पापियां दे पीर ने गड्डी च करी जोर और भाई और बहनों क्या हालचाल। आज हम करने वाले हैं फिर से सुपर सस का गेम प्ले और आज हम करने वाले हैं स्पाई के साथ गेम प्ले। स्पाई रोल का गेम प्ले करने वाले हैं जबरदस्त था। तो मैच हमारा स्टार्ट हो चुका है। मैं यहाँ पे स्पाई बन के आया हूँ और मैंने येलो का कलर जो है वो पहले ही ले लिया है ताकि मैं येलो के कलर में चेंज होके किल कर सकूं। और मेरा पार्टनर ऑरेंज है, ऑरेंज फ्लैश बैंग है। रोल तो इसका अच्छा नहीं है लेकिन संभाल लेगा। अगर अच्छा गेम प्ले करेगा तो इजीली हम लोग इस मैच को जीत सकेंगे। तो इलेक्ट्रिकल फिक्स करने बंदा गया है तो मैंने सबसे पहले इसको मारा है ताकि ये बंदा इलेक्ट्रिकल फिक्स ना कर पाए। और मेरा पार्टनर ने भी एक किल कर दिया है और बॉडी रिपोर्ट हो चुका है पर्पल का। और पर्पल का बॉडी मेरे पार्टनर ने ही रिपोर्ट कर दिया। क्या जरूरत थी रिपोर्ट करने की इसको? मैं जब पास कर रहा था तो उधर से कोई येलो कलर का बंदा जा रहा था। मेरी तरफ से येलो है। पहले तो सभी गेम वासियों को मेरा तहे दिल से नमस्कार। माई सेल्फ मासूम, नाइस टू मीट यू ऑल। सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। दूसरी चीज, हनी भी मेरे साथ अटैच है। हनी भी कौन है बता दो। तीसरी चीज, मैं और पिंक हम दोनों सिक्योरिटी में बैठे थे तो मैं तो वहाँ पे हो ही नहीं सकता। अगर वहाँ पे आपने येलो को देखा है तो बेशक वो स्पाई होगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आखिरी चीज, मैं भी वाइट जैक हूँ। मेरा गिमिक है रिमोट बटन और मेरे पे एस्टर डॉला टास्क भी है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा डिस्कशन होने के बाद फालतू में ही सायन को वोट आउट करके निकाल दिया है क्योंकि सायन ने अपना रोल नहीं बताया था मीटिंग में। सायन से रोल पूछा तो सायन ने रोल नहीं बताया जिसकी वजह से सायन को धक्के मार के स्पेसशिप से बाहर निकाल दिया है इन लोगों ने। तो अभी मेरे को किसी का कलर ले लेना चाहिए। मैंने पिंक का कलर ले लिया है। देखते हैं पिंक का कलर लेके मैं किसी को बेवकूफ बना पाऊंगा या फिर खुद ही मर जाऊंगा। रिएक्टर का सबोटेज दे दिया है क्योंकि मैं बैरियर लेकर आया हूँ। बैरियर लगाने में बहुत मजा आता है। बैरियर एकदम जबरदस्त जिमिक है। बैरियर यूज किया करो या फिर जंपी यूज किया करो। तो जल्दी से चलते हैं जाके किल करते हैं। मैंने कलर चेंज किया था लेकिन इन्होंने सबोटेज ही फिक्स करके मीटिंग भी उड़ा दिया और येलो का गेम बजा दिया मेरे पार्टनर ने बहुत अच्छे। रेड तो कहीं से इंजीनियर नहीं है, रेड को निकाल लो। इतने देर से साबो बज रहा, फिक्स ही नहीं हो रहा भाई, रेड को निकालो। बहुत कैंची की तरह चलती है तेरी जुबान, कैंची से ही काट दूंगा। तो यहाँ पे जो होता है रेड अपना वाइट जैक होता है वो मेरे को गैस लेके मर जाता है उल्टा और मैं और मेरा पार्टनर स्किप कर देते हैं जिसकी वजह से ड्रॉ हो जाता है मीटिंग और ये मीटिंग स्किप हो जाता है। अभी एक किल पे गेम खत्म है। जल्दी से एक किल करना है हमको और उसके बाद हम लोग इस मैच को इजीली जीत जाएंगे। तो जल्दी से अपना वो बैरियर लगाने वाला कार्यक्रम फिर से शुरू करते हैं, फिर से इधर ही चलते हैं। और ये दिया और लोल भाई, इतनी जल्दी गेम खत्म। आई थिंक शेरिफ उल्टा ट्राई लेके मर चुका है। और इसी के साथ हम लोग इस मैच को जीत चुके हैं और MVP मिल चुका है, मेरे पार्टनर को मिला होगा। तो अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट मैच में। नेक्स्ट मैच में लोल भाई, ये ग्रिंच क्या करने आ गया नेक्स्ट मैच में? जब भी ग्रिंच आता है मैच में मेरे को बहुत गुस्सा आता है ग्रिंच पे क्योंकि ना उसको हम मार सकते हैं ना कुछ और कर सकते हैं। गेम में क्यूपिड और जोकर सारे खतरनाक रोल आए हुए हैं। क्यूपिड अगर जोकर को लवर बना देता है मजा आ जाता है, क्यूपिड के मजे हो जाते हैं। तो जल्दी से चलते हैं। सबसे पहले तो शेप शिफ्ट करके एक किल करेंगे, उल्टा घूम के जाएंगे। ये मेरा पार्टनर है, आई थिंक ये मेरा पार्टनर है, चक कौन है पता नहीं। लोल येलो अपना स्पाई है, येलो अपना स्पाई है और सायन अपना ग्रिंच है। सायन अपना ग्रिंच है क्योंकि दो दो सायन मेरे को दिखे थे। इसका मतलब कुछ होने वाला है। अब मीटिंग बिठा दिया गया है और लोल मेरा पार्टनर पकड़ा गया, मेरे पार्टनर को स्पाई गैस ले लिया गया है। अब मेरे को अकेले को ये पूरा गेम संभालना पड़ेगा। तो गेम संभालना पड़ेगा और इस गेम को जिताना भी पड़ेगा, इसीलिए मिलेगा फिर मेरे को MVP।
तो अब जल्दी से चलते हैं और सब टेस्ट देता हूँ मैं फिर से रिएक्टर वाला। अभी रिएक्टर वाला सब टेस्ट देना ही सही रहेगा, कोई और सब टेस्ट दूंगा तो किसी काम नहीं आएगा। और शेप शिफ्ट करके एक किल करने के लिए चलते हैं। और लोल, शरीफ मर गया। शरीफ लवर था, शरीफ ट्राई लेके मर चुका है यहाँ पे किसी बंदे पे, और मैं किल बिल्कुल भी नहीं करूँगा क्योंकि ये बंदे मेरे को अभी तक सेफ समझ रहे हैं, इनको मेरा रोल नहीं पता है। इन लोगों को लग रहा है कि ग्रिंच मैं हूँ, लेकिन ग्रिंच तो अपना कोई और ही बंदा था, ग्रिंच तो अपना गेम से आउट भी हो चुका है। तो इसी के साथ ही ये मीटिंग स्किप हो चुका है और मैंने अपना रोल मीटिंग में ग्रिंच बता दिया है। अब ये मेरे को बिल्कुल भी वोट आउट नहीं करने वाले हैं। ग्रिंच आई थिंक लवर बन चुका था क्यूपिड का, जिसकी वजह से ग्रिंच का मोए मोए हो चुका है और मेरे को इसी बात का फायदा होने वाला है और मैं इस मैच को इजीली निकाल देने वाला हूँ। तो जल्दी से फिर से सब टेस्ट देने के लिए तैयार हो जाते हैं और एक खतरनाक सा सब टेस्ट दे के इस मैच को फिनिश करते हैं। ऑटो वाला सब टेस्ट मैंने दे दिया, ऊपर की साइड चलते हैं क्योंकि नीचे वाला साइड तो कोई ना कोई बंदा फिक्स कर देगा। अगर ऊपर वाले पे कोई फिक्स करने आएगा उसको मैं किल कर दूंगा, लेकिन जब मैं यहाँ पे देखता हूँ ऊपर दो बंदे एक साथ आ गया तो अब मैं तो बिल्कुल नहीं किल कर सकता। और अभी तीन के तीन बंदे यहाँ पे आ गए, लोल भाई कैसे किल करूँ मैं इतनी भीड़ के बीच में। तो ये वाली मीटिंग मेरी स्किप हो चुकी है, इसमें मैं किसी को भी किल नहीं कर पाया हूँ। मैं क्यूपिड बोल रहा हूँ, मेरे दोनों क्यूपिड मर चुके हैं, ब्राउन और श्याम, मेरे दोनों क्यूपिड मर चुके हैं। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। ये तो यहाँ पे कुछ ऐसा होता है, ये लोग ग्रीन को वोट आउट करके निकाल देते हैं क्योंकि इनको उस पे सस होता है। इसी के साथ ही एक और स्पेस क्रू इस मैच से बाहर हो चुका है, जिसकी वजह से अभी मैं इजीली इस मैच को निकाल सकता हूँ। मैं क्यूपिड को वोट आउट करके निकलवा दूंगा ये कह के कि ये गेम तो क्यूपिड की वजह से चल रहा है और इसी तरह मैं इस मैच को जीत जाऊंगा। तो जल्दी से फिर से रिएक्टर वाला सबोटेज देते, आज पूरा रिएक्टर ही बजाता रहूंगा मैं पूरा दिन। अब मेरे ओन नोन ऑरेंज अपना इंजीनियर है, ऑरेंज अपनी इंजीनियर निकली और ऑरेंज ने सबोटेज फिक्स कर दिया और इसी के साथ ही मैंने क्यूपिड को वोट आउट करवा दिया। मैंने बोला क्यूपिड की वजह से गेम चल रहा है, क्यूपिड ने गलत बंदों को लवर बना दिया है। इसी के साथ ही अब एक दिल पे गेम खत्म है, लेकिन ऑरेंज अपनी इंजीनियर है, ऑरेंज ने अगर सब वो फिक्स कर दिया तो मेरा गेम बच जाएगा। तो मेरे को जल्दी से जल्दी ऑरेंज को रोकना पड़ेगा, एक परफेक्ट टाइम पे सब टेस्ट देना पड़ेगा। तो मैंने एक परफेक्ट टाइम पे सब टेस्ट दिया है, बस उसका एबिलिटी चार्ज ना हो ऑरेंज का। अगर ऑरेंज का एबिलिटी चार्ज होता है तो वो सब टेस्ट फिक्स कर देगी और ये मैच वहीं पे खत्म हो जाएगा। मेरे को जल्दी से किल करना पड़ेगा, जल्दी से जो मेरे सामने आया मैंने इसी को ही किल कर दिया और इसी के साथ ही हम लोग इस मैच को जीत चुके हैं। मेरा पार्टनर तो मैच के स्टार्टिंग में ही मर चुका था, सारा मैच मैंने निकाला है और मेरे को मिल चुका है एक तगड़ा सा MVP। पर दो गेम प्ले से तो काम नहीं बनने वाला है, चलो मजा आ रहा है स्पाई के साथ खेल के, एक और गेम लगाते हैं। तो फिर से मैं स्पाई बन के आ चुका हूँ और गेम में खतरनाक रोल आए हुए हैं। गेम में हाइपनोटिस्ट आया हुआ है, क्यूपिड आया हुआ है और मेरा पार्टनर भी स्पाई है आई थिंक। तो खतरनाक गेम प्ले जाने वाला है ये वाला भी। तो जल्दी से और मेरा ब्लिंक हुआ, मेरे पार्टनर ने एक बंदे को किल कर दिया है और लो मेरे पार्टनर ने जैसे किल किया है वैसे ही फिक्स हो चुका है, इसका मतलब वो बंदा रिवाइव हो चुका है जिसको मेरे पार्टनर ने मारा था। तो टाइम मास्टर ने मेरे पार्टनर का मोए मोए कर देना है, जल्दी से जल्दी ढूंढना पड़ेगा वो कौन सा बंदा है जो जिंदा हुआ है और उसको फिर से मारना पड़ेगा। अगर वो उसने मीटिंग बिठा दी तो वो सारा पोल खोल देगा, तो वो पर्पल है। मेरे पार्टनर ने पर्पल को मार दिया है, वो पर्पल था जो स्पाई था, मतलब जो किल किया था मेरे पार्टनर ने पर्पल, मेरे पार्टनर ने उसको फिर से किल कर दिया है। और इसी के साथ ही मीटिंग बिठा दी गई है, वाइट ने मीटिंग बिठाई है, देखते हैं वाइट क्या बोलने वाला है मीटिंग के अंदर। तो मीटिंग में कुछ ऐसा होता है, सायन को ये लोग वोट आउट करके निकाल देते हैं बिना मतलब के। सायन को इन लोगों ने पता नहीं क्यों वोट करके निकाला है। मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी बंदा सायन कलर लेकर जाता है गेम में उसको सबसे पहले धक्के मार के निकाल दिया जाता है, पता नहीं ये क्या साइकोलॉजी चल रही है इन लोगों की। तो मैंने फिर से और जहाँ पे मेरा लवर बन चुका है, तो लवर मेरे कंप्लीट हो चुके हैं, एलिमिनेट एवरीवन वाला पॉपअप आ चुका है, मतलब कि अब मेरे को मेरे पार्टनर का भी गेम बचाना पड़ेगा और मेरे को इस मैच को निकालना पड़ेगा जल्दी से। तो मेरा जैसे ही एबिलिटी चार्ज होगा मैं स्पाई किल करने वाला हूँ एक। चलो मैंने शेप शिफ्ट कर लिया है, अब मैं पिंक को मारने वाला हूँ सबके सामने
और ऑरेंज ने मीटिंग बैठा दी है, क्योंकि ऑरेंज ने दो दो ऑरेंज देखे तो ऑरेंज अपना शौक हो गया होगा, इसलिए उसने मीटिंग बैठा दी है। मेरा कलर लेके मारा भाई, मेरा कलर लेके कौन और ब्राउन या येलो, भाई ब्राउन या येलो में से किसी ने मेरा कलर लिया था, ये दोनों मेरे साथ थे और दोनों में से किसी ने मेरा कलर लिया। मैं ब्राउन को गैस लेता हूँ और ये को निकालो, येल्लो को निकालो। ब्राउन ने ऑटो लोकेशन, येल्लो अपना ऑटो लोकेशन भेजो, मैं येल्लो को गैस ले रहा हूँ, अगर मैं मरता हूँ तो ब्राउन को निकालना, येल्लो को गैस। तो व्हाइट जैक ने यहाँ पे येल्लो को गैस लिया है स्पाई, लेकिन येल्लो अपना क्यूपिड था और ब्राउन पे वोट डाल दिया क्योंकि येल्लो ने, मतलब वो व्हाइट जैक जो है उसने ऐसा कहा था, अगर मैं मर जाता हूँ तो ब्राउन को वोट आउट कर देना, तो हमने ब्राउन को वोट आउट कर दिया है। इसी के साथ ही सारे इम्पोस्टर इस गेम से आउट हो चुके हैं और हम न्यूट्रल्स इस मैच को जीत चुके हैं और इसी के साथ एक और तगड़ा सा गेम प्ले हमारा निकल गया है। तो ये थे आज के कुछ खतरनाक से गेम प्ले। वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।